नमस्कार, आप देख रहे हैं रीजाना न्यूज़, में शेखर उपल आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। एक और तो राज्य सरकार करोड़ों रुपया खर्च कर रही है महिला सुरक्षा को लेकर, साथ ही बहुत सारे दावे भी किए जाते हैं कि महिला सुरक्षा को लेकर, लेकिन सभी को धता बता दिया जाता है, खासतौर से सरकारी विभागों की अगर बात करें तो। ऐसा ही एक मामला सामने आया भदौरा स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र का, जहां पर रात के समय केवल एक महिला A&M कार्यकर्ता और एक पुरुष वार्ड बॉय मौजूद रहता है, साथ ही कोई भी चौकीदार इस हॉस्पिटल में मौजूद नहीं होता। वहीं बता दें कि कुछ दिनों पूर्व यहां पर चोरियों की घटनाएं भी हुई हैं, जो एक नहीं कई एक साथ हुई हैं। यहां से अकाउंटेंट के कक्ष से केवल एक ही कंप्यूटर गायब हुआ था, जबकि वहां पर 4 से 5 कंप्यूटर और भी रखे हुए थे। हालांकि इसकी शिकायत म्याना थाने में की जा चुकी है। वहीं हम बात करते हैं महिला सुरक्षा की। यहां पर महिला सुरक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं देखने को मिलता, साथ ही प्रसव कराने जो महिला यहां पर आती है उन्हें भी चंद घंटों में यहां से रवानगी दे दी जाती है। समस्या पर है कि क्यों जब सरकार ने इतना पैसा यहां खर्च किया है तो सुविधाएं क्यों नहीं दी जाती। पास ही में रहने वाले लोगों की अगर माने तो यहां पर डॉक्टर भी कभी कभार ही दर्शन देते हैं, आते हैं, साइन करते हैं और चले जाते हैं। ऐसा ही नजारा हमारे कैमरे में भी कैद हुआ, जब वहां पर BMO के पद पर पदस्थ श्रीमती बेक ने एक दिन आगे की अपनी हाजिर रजिस्टर में दर्ज कर रखी थी। साथ ही जब हमने कई सारे सवालों को लेकर BMO से बात करना चाही तो 2 दिन तक तो वो हमें टालती ही रहीं, हमारा फोन भी नहीं उठाया। जिसके बाद जब हमने उनसे घर पर पहुंचकर मुलाकात की तो उनसे जाना कि क्यों वहां पर महिलाओं को सुरक्षा नहीं दी जाती और रात के समय केवल एक ही A&M कार्यकर्ता रह जाती है। उनका जवाब चौंकाने वाला था। उनका कहना था कि वहां पे प्रसव के लिए कोई आता ही नहीं। प्रसव के लिए तो तब आएंगे ना जब वहां पर स्टाफ रहेगा या फिर डॉक्टर मौजूद रहेंगे। जब वहां कोई होता ही नहीं तो प्रसव कराने किससे आएंगे लोग। इसके बाद हमने जब उनसे जानना चाहा कि महिला को जो प्रसव हुआ है सुबह 5 बजे, दोपहर बाद उसकी छुट्टी कर दी गई, जबकि 3 दिन तक हॉस्पिटल में रखना जरूरी माना जाता है, जिससे जच्चा और बच्चे की देखरेख अच्छी तरह से हो सके। उस पर उनका जवाब था कि गांव वाले जबरन तरीके से महिलाओं को वापस ले जाते हैं, साथ ही एक लिखित में आवेदन दे जाते हैं कि उन्हें यहाँ हॉस्पिटल में नहीं रुकना है। वहीं जब हमने जब प्रसूता के ससुर से इस बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल में स्टाफ तो होता ही नहीं, प्रसूता अकेली हॉस्पिटल में करती क्या। यहां पर जब हमने देखा तो कोई भी एंटीबायोटिक हॉस्पिटल में मौजूद नहीं थी, जबकि होना अनिवार्य है, क्योंकि एंटीबायोटिक ऐसी दवाई है जिसको हर मर्ज के साथ दिया जा सकता है। इस उप स्वास्थ्य केंद्र में कई सारी खामियां देखने को मिली, जिनके बारे में BMO श्रीमती बेक का जवाब कुछ गफलत भरा था। हमने जब उनसे जानना चाहा कि यहाँ पर डॉक्टर क्यों नहीं होते हैं तो उन्होंने बताया डॉक्टर तो होते हैं लेकिन टूर पर जाते हैं। लेकिन हम आपको ये बता दें कि जब हमने रजिस्टर को चेक किया तो वहां पाया कि वहां पे आयुष विभाग के ही डॉक्टर मौजूद हैं, कोई भी प्रसूताओं के लिए डॉक्टर वहां पर मौजूद नहीं है। दिन में भी केवल वहां पर 1 या 2 ही नर्सें रहती हैं, जो भी जब मन आता है तब रुकती हैं और जब मन करता है वहां से चल देती हैं। प्रसूताओं के बारे में पूछे जाने पर BMO ने बताया कि वहां पर प्रसूताएं प्रसव कराने नहीं आती हैं। आसपास के लोगों और सूत्रों की माने तो जब यहां डॉक्टर ही नहीं होते हैं, स्टाफ ही नहीं होता है, तो प्रसूताएं कैसे आएंगी। साथ ही जो गाड़ियां ब्लॉक स्थल पर खड़ी होने के लिए रखी गई हैं, जिससे प्रसूताओं को सहायता मिल सके, वो गाड़ियां भी इस हॉस्पिटल में मौजूद नहीं थी। इतनी सारी खामियों के साथ कैसे चल सकेगा यह हॉस्पिटल, जबकि सरकार से भरपूर मात्रा में पैसा इस स्वास्थ्य केंद्र को चलाने के लिए आता है, क्योंकि इस स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े हुए काफी गांव हैं जिनको इसकी जरूरत है, लेकिन जरूरत कोई भी पूरी नहीं हो पा रही है, क्योंकि वहां पर कोई स्टाफ और डॉक्टर मौजूद ही नहीं होता है। अब देखना यह होगा कि हमारी खबर चलने के बाद क्या वहां पर डॉक्टर मौजूद हो पाएंगे या मिल पाएगी लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं, या जैसा चल रहा था वैसा ही चलता रहेगा।
देख लो अटेंडेंस सबकी पूरी होगी। कुल में समस्या है मरीजों को सही सलामत सब दवा मिला है, उसके लिए ऐसा के व्यवस्था अच्छी नहीं है। हम आपसे आग्रह कर रहे हैं नवयुगल दंपति पहुंचा एसपी कार्यालय, मांग करी उन्होंने अपनी सुरक्षा की। दंपति का कहना है कि उनके परिजन उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जिसके कारण वे दोनों बहुत ही भयभीत हैं। आपको बता दें कि दोनों ने ही प्रेम विवाह किया है, जिस कारण लड़की के परिजन और उन दोनों की जान के दुश्मन बन बैठे हैं। साथ ही उनको कई तरह की धमकियां भी दी जा रही हैं। वहीं इस दंपति ने हाईकोर्ट में अपनी सुरक्षा को लेकर अर्जी भी लगाई है, जिसे मंजूर होने के बाद निर्देशित भी किया गया, लेकिन उन्हें अभी तक कोई भी सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई है। आज इसी बात को लेकर दोनों अपनी सुरक्षा के लिए एसपी कार्यालय पहुंचे और सुरक्षा की मांग की। शादी करी है सर, कारण क्या है कि लव मैरिज करी है आपने? हाँ, लव मैरिज करी है। कहाँ की है? गुना की। वाइफ आपकी गुना की? हाँ। तो क्या दिक्कत आ रही है आपको? शादी कितने साल हो गए? शादी को अभी हुए हैं 4 महीने। 4 महीने तो शादी करने के बाद में घर वालों ने एक्सेप्ट कर लिया था? नहीं किया। नहीं किया, अलग रह रहे थे आप लोग। तो अब क्या परेशानी आ रही है आपको? परेशानी ये है कि लड़की के घर वाले मारने के लिए घूम रहे। अच्छा, 10-12 जनों की टोली आई, मारपीट का ऐसा। अच्छा अच्छा अच्छा, जैसे तैसे जान बचा के। तो अब आप एसपी ऑफिस में क्या के क्या कल एसपी साहब से मिलने आए थे? हाई कोर्ट से हम प्रोटेक्शन के लिए हमने डाली थी पिटीशन, वो पास हो गई। पास हो गई है, पुलिस प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। ठीक है। दिक्कत ये आ रही है, हमारी फैमिली परेशान कर रही है। आपकी फैमिली? जी। क्या कह रही है आपकी फैमिली? वो जिंदा मारने की धमकियां दे चुकी हैं कि अच्छा। एक बार तुम मिल जाओ हम तुम्हें जिंदा जलाएंगे। दोनों को? जी। तो आपने अपने घर वालों से बात करी फिर कि अब तो हो ही गया ऐसा, मतलब ऐसा कुछ करके बात करी आपने घर वालों से? जी, बाद में मैंने बात नहीं करी। वो मेरी दोस्त है, उनके घर पे जाके धमकियां दे रहे हैं कि एक बार वो मिल जाए उसे जिंदा जलाएंगे। अच्छा, तो आप लोगों के ऊपर ऐसा अटैक भी हुए हैं क्या? जी। अच्छा, हम कहीं बाहर जाते हैं तो वो लोग हमें रास्ते में मिल जाते हैं, फिर परेशान करते हैं। तो आपने एसपी साहब से मांग करी थी आप लोगों ने? जी हाँ, पहले ही कहा था प्रोटेक्शन की मांग करी थी। मिल गया आपको? अभी नहीं मिल गया प्रोटेक्शन। हाईकोर्ट? हाईकोर्ट से तो मिल गया, लेकिन यहाँ से ही कैंट थाने में। आपने आपने शादी कहाँ से की थी? कोर्ट से की थी? नहीं, आर्य समाज में। आर्य समाज? बोलिए। आर्य समाज मंदिर में की थी। हरदा? हरदा में। कहते हैं पूत का पूत हो सकता है लेकिन माता को माता कभी नहीं हो सकती, लेकिन आज यह खबर देखने के बाद आप भी कहेंगे कैसे एक माता को माता हो गई और अपने जिगर का टुकड़ा उसने रास्ते में फेंक दिया। बलवंत नगर स्थित एक निजी नर्सिंग होम के पीछे एक नवजात शिशु जो अभी जन्म भी नहीं ले पाया था, उसका शव एक काले बैग में पड़ा मिला। जिसे राहगीरों ने देखा उस सकते में आ गए, जिसकी खबर डायल 100 को दी गई। हालांकि डायल 100 ने शव को जब्त कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन कैसी होगी वो मां जिसने अपने जिगर के टुकड़े को इस तरह से रोड पर जानवरों को खाने के लिए फेंक दिया। अब इसमें पुलिस क्या जांच कर पाती है और कैसे गर्भपात किया जा रहा है इसकी जांच होगी, क्योंकि गर्भपात करना कानूनन अपराध है। वो सिर्फ तभी किया जा सकता है जब बहुत बड़ा कोई खतरा मां के लिए हो। अब देखना यह होगा कि किस तरह से प्रशासन इस मामले को देखता है। भैंसिंग नहीं मिलती है जगह पीछे पिछवाड़ा, भैंसिंग तो भी फेंक जाएंगे। तुम्हारा चेहरा बीच में पूरा मामला। मैं अपनी दुकान से
खाना खाने आया तो यहाँ पे भीड़ लग रही थी, तो मैंने देखा कि काले से बैग में मरा हुआ बच्चा 4-5 महीने का देखा हमने, और अपने मिलने वाले पत्रकार भाइयों को भी फ़ोन किया मैंने। हॉस्पिटल से ओनर आया हॉस्पिटल के, फिर मैं भाई को बुलवाया, बैग को खुलवाया, तो उसमें ये जानकारी मिली। बाकी सामने है, करीबन कितने बजे की घटना है? अभी डेढ़ घंटा पहले की बात है। शहर का मौसम आज हुआ मेहरबान। दो दिनों से चली आ रही उमस के बाद आज जमाजम हुई बारिश, जिससे कुछ देर के लिए मौसम तो सुहाना हो गया, लेकिन कुछ देर बाद लोगों के पसीने छूटने लगे। बता दें कि गुना में अभी भी मानसून की बारिश का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, लेकिन मानसून है कि गुना पर मेहरबान हो ही नहीं रहा। परिषद द्वारा मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया कलेक्टर को एक ज्ञापन। यह ज्ञापन 30 जून को कम्मू केवट की हत्या या आत्महत्या की सीबीआई जांच कराने के लिए दिया गया है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं का कहना है कि कम्मू केवट की हत्या करने वाले रसूखदार लोग हैं, जो न केवल जांच को भटका रहे हैं वही बल्कि गवाहों को भी डरा धमका रहे हैं, जिसके कारण गवाह अपनी गवाही नहीं दे पा रहे हैं। वहीं इस मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी संदेह के घेरे में आती है। वह भी आरोपियों को बचाने के लिए साक्षियों का बयान नहीं ले रही है, जबकि कुछ साक्षियों ने देखा था कि उस दिन मृतिका के साथ मारपीट की गई थी, किंतु पुलिस द्वारा साक्षियों के कथन भी नहीं लिए गए हैं। इसे साफ जाहिर होता है कि पुलिस अपराधियों को बचा रही है। इसी बात को आधार बनाकर आज इस मामले की निष्पक्ष जांच, किसी मजिस्ट्रेट जांच या फिर सीबीआई की जांच की मांग आज विश्व हिंदू के कार्यकर्ताओं ने की। अपराध क्रमांक 452/18 दिनांक 30/6/2018 में कम्मू केवट के हत्या के प्रकरण की मजिस्ट्रीय या सीबीआई जांच कराए जाने बाबत माननीय महोदय, उपरोक्त विषय अंतर्गत विनम्र निवेदन है कि घटना दिनांक 30/6/2018 को कम्मूबाई केवट हत्या कर दी गई। घटना की सूचना पर मृतिका कम्मूबाई केवट के पिता श्री सीताराम केवट घटना स्थल पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पहिमकान उसकी पत्नी व नौकर मृतिका कम्मूबाई के शव को घसीट कर बाहर ला रहे थे। हमें उन्हें देखकर तीनों भागने लगे, तब मृतिका कम्मूबाई को उठाकर आवेदन राजस्थान टायर पहिमकान द्वारा कम्मूबाई केवट की हत्या की गई, जिसमें उसके भाई की रिपोर्ट पर 302 की FIR दर्ज की गई पुलिस द्वारा। वही पुलिस किसी तरह से मिल करके और अपराधी को बचाने का प्रयास कर रही है। विश्व सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि अपराधी को पूरा बचा रही है और किसी हिंदू समाज के व्यक्ति पर FIR दर्ज करके और उसको निर्दोष ठहरा रही है और निर्दोष व्यक्ति पर FIR झूठी कर रही है। इस तरह का जो है मामला है, ये मुख्यमंत्री महोदय के लिए ज्ञापन दिया गया है कि मुख्यमंत्री इसकी जाँच करवाएँ, अन्यथा पूरे गुना जिला अशोकनगर जिला और आगे आंदोलन करेगा। WRC के सदस्यों द्वारा आज कलेक्टर को दिया गया ज्ञापन, जिसमें मांग की गई कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा आए दिन रेलवे स्टेशन पहुंचकर रेलवे कर्मचारियों के साथ अभद्रता की जाती है, जिनके खिलाफ जांच कर कार्रवाई की जाए।
साथ ही विगत दिनों धीरज कुशवा के साथ हुई मारपीट के प्रकरण में धीरज को ही कसूरवार बताया गया है, जबकि रेलवे द्वारा ही लिए गए सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार धीरज को मारा जा रहा था। जब इन कर्मियों से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि वीडियो गलत है, साथ ही उन्होंने सीसीटीवी फुटेज की सत्यता पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। ऐसा है, मैं WCRL सेक्रेटरी गोकुल प्रसाद हूँ। अभी विगत कई दिनों से कई बार घटनाएं रेलवे स्टेशन पर घटित हुई हैं, जिससे असामाजिक तत्व आकर के बिना टिकट चलने पर, टिकट की पूछने पर हमारे TC स्टाफ पर दबाव डालते हैं, किसी भी प्रकार से स्टेशन पर अभद्रता फैलाते हैं। उनकी रोकथाम करने के लिए हम रेलवे वाले दृढ़ संकल्प हैं, ताकि यात्रियों को अच्छी सुविधा मिल सके ऐसा प्रयत्न करते हैं। लेकिन अभी 3 दिन पहले धीरज सिंह कुशवाहा, जो अपने आप को पूर्व पार्षद बताते हैं, उनके द्वारा हमारे TC के साथ मारपीट की गई है और RPF स्टाफ के साथ भी मारपीट की गई है। तो हम इस ज्ञापन के माध्यम से माननीय कलेक्टर महोदय से यह आकांक्षा करते हैं कि हमारे स्टेशन पर पब्लिक का सहयोग अच्छा मिलता रहे, ताकि रेलवे की बेहतर सुविधाएं उनको मिल सकें, समय पर गाड़ियों का संचालन हो सके, यात्रियों को अच्छी सुविधा। फुटेज में दिखाया गया धीरज के साथ इस कदर मारपीट गई है, मरने की हालत में, ये किस हद तक सही था जो TC ने और जो आरक्षकों ने जो हाथ उठाया, किस हद तक ये सही है जो मारपीट हुई? ऐसा आप जो है मान लें, ऐसा आप मान लें कि जो है, क्या ऐसा स्टेशन पर कोई भी स्टाफ या कोई भी गवर्नमेंट कर्मचारी एक खुले मैदान पर किसी आदमी के साथ ऐसा नहीं कर सकता है? फुटेज झूठे हैं ये? नहीं, फुटेज झूठे जो भी बनाए हों वो थोड़े जो है कुछ भी हो सकता है, बनाए किसी ने नहीं है। हाँ, वो CCTV फुटेज में दिख रहा है। नहीं, इतना जो है पीछे से सिर में मारा गया है एक आरक्षक द्वारा, तो ये किस हद तक सही है जो अधमरी हालत कर दी उसकी? नहीं, कोई अधमरी हालत नहीं हुई, हुई होगी झूमा झटकी, उस समय तो उस स्थान पर मैं था नहीं कि उसको सही बता सकूँ, ना ही मैंने फुटेज देखे हैं। लेकिन जो अभद्रता की गई है और जो एक जो है, जबकि एक ये कहा वो है कि हमें प्लेटफॉर्म पर जाना है, एक जो है भारत सरकार के द्वारा नियम बने हुए हैं, हमें टिकट लेके जाना चाहिए, टिकट लेके पूछताछ करना चाहिए, टिकट TC स्टाफ हमारा पूछताछ करेगा ही। यदि उस पर आप एग्रेसिव होके किसी पर घटना करें तो हो सकता है कि आप बचाओ में TC स्टाफ ने या RPF स्टाफ ने कुछ उसको रोकथाम करने के लिए जो भी घटना हुई है वो जांच का विषय है, उस पर जो भी निर्णय लेगा प्रशासन लेगा। तो हमारी यही वो आकांक्षा है कि पब्लिक ना, तो हम रेलवे कर्मचारी भी ये कोशिश करेंगे कि इस प्रकार की अवधारणा मतलब हम ना रहे, पब्लिक तेजी रहे, ठीक है ना, और ना ही पब्लिक का तो ये पहले है कि उसको जो है प्लेटफॉर्म टिकट लेके जाना चाहिए। प्लेटफॉर्म टिकट जो है आप बता देता है, कोई बात नहीं, सेवा के लिए ही है वैसे तो। अगर उसके पास प्लेटफॉर्म टिकट होता तो विवाद ही नहीं होता, इस तरीके से इसको मारेंगे? नहीं नहीं, किसी अगर आपको ये बताओ, अगर उसके पास प्लेटफॉर्म टिकट होता तो ये विवाद ही नहीं होता, सबसे पहले गलती तो उसकी है ना, हमारी तो उसको पकड़ लेते, बट इतनी बुरी, अरे तो पहले उसने हाथ उठाया है ना मेरे भाई, आप अपनी सेफ्टी के लिए नहीं कराएंगे क्या? फुटेज में सामने वाले देख रहे हैं, आप भी देखो ना फुटेज, और पहले की फुटेज देखे जा सकते हैं, मेरे पास और पहले की भी फुटेज देखे जा सकते हैं, पहले की भी ऐसा नहीं हमारे पास, क्योंकि विवाद मेरे लगे धीरज सिंह के द्वारा ही किया गया है, स्टार्ट उन्होंने किया है, बाकी तो 1000 आदमी रोज स्टेशन पे आते हैं। आरुण में हर वर्ष की तरह इस बार भी वैष्णो भक्तों की टोली पैदल चलकर माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रही है। इस बार भी नगर के 7 सदस्यों की टोली माता के दरबार तक पैदल यात्रा निकालेगी। साथ ही यात्रा कर रहे यात्रियों ने बताया कि वैष्णो देवी के साथ साथ अमरनाथ के लिए भी वे लोग जाएंगे। आरुण नगर के लिए गौरव की बात है कि हर साल यहाँ से श्रद्धालु पैदल चलकर जाते हैं। साथ ही यह भी बता दें कि ये टोली दिन भर तो यात्रा करेगी और रात के समय ही विश्राम करेगी, वहीं खाने की व्यवस्था अपने साथ रखकर ले जा रहे हैं।
तकरीबन एक महीने का सफर तय करने के बाद भक्त माता के जयकारे में भजन गाते हुए द्वार तक पहुंचेंगे। इस मौके पर कई भक्तजन मौजूद रहे। पैदल यात्रियों को भी नगर में कई जगह पर स्वागत किया गया। पैदल कितने दिनों की यात्रा है ये? डेढ़ महीने की। आज से पैदल आरोन से हमारे सहयोगी चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट। डीजियाना में आज बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।